हाय एवरीबॉडी, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। तो आज है रेसिपी डे। मैं लेके आई हूँ एक बहुत सिंपल एंड क्विक रेसिपी, जिसमें मैं बता रही हूँ कैसे मैं बनाती हूँ शिवाय के लिए वेजिटेबल पोहा। तो बिना किसी देरी के पहले वीडियो देख लेते हैं। मैंने वेजिटेबल्स में लिया है शिमला मिर्च, एक प्याज, एक लहसुन, एक छोटा पीस अदरक का और टमाटर। तो चलिए सबसे पहले इन सब्जियों को तैयार कर लेते हैं। तो मेरी सारी सब्जियां हो गई हैं रेडी। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को बारीक पतला काटा है, इसी तरह मैंने टमाटर और प्याज को पतला काटा है एंड लहसुन को काटा है। इसी तरह से मैंने अपना जो पोहा था उसको ऑलरेडी सोक करके रखा हुआ था, ताकि थोड़ा सा वो गीला हो जाए। शिवाय को भी खाने के लिए थोड़ा गीला पोहे की ज़रूरत होती है, तो मैंने उसको 5 से 10 मिनट सोक करके रखा हुआ था। अब मैं पैन ले रही हूँ सबसे पहले। पैन में मैं डालूंगी 2 चम्मच ऑलिव ऑयल के। मैंने ये ऑयल डाला है ऑलिव ऑयल। अभी हमने रिसेंटली शिवाय के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो अब मेरा ऑयल गर्म हो गया है। मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। अब प्याज के बाद मैं इसमें डालूंगी राई के दाने। मैंने राई के दाने इसमें बाद में डाले हैं, क्योंकि तेल के साथ राई के दाने एकदम से छिटक जाते हैं, इसलिए मैंने पहले प्याज डाला है एंड उसके बाद राई डाली है, ताकि वो इधर उधर ना फैले। अब मैं इसमें अपना डालूंगी अदरक एंड थोड़ा सा जो लहसुन मैंने डाला था उसको इसमें मिला देते हैं, ताकि जो लहसुन और अदरक का टेस्ट है वो बहुत अच्छे से प्याज के साथ मिक्स हो जाए। अब मेरा प्याज ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च, ताकि वो भी अच्छे से प्याज के साथ रोस्ट हो जाए। एंड प्याज को आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, अदरवाइज उसका जला हुआ टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने इसमें साथ में शिमला मिर्च डाल दी है, ताकि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी अपना टमाटर। टमाटर आपके पास ऑप्शनल है, शिवाय को अच्छा लगता है तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें सब्जी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी। एंड सॉल्ट। सॉल्ट जितना आपको स्वाद के अनुसार ठीक लगे उतना आप सॉल्ट ऐड कर दीजिए। तो ये मेरी वेजिटेबल्स अब हो गई है रेडी। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी अपना पोहा, जो कि मैंने ऑलरेडी सोक करके रखा हुआ था। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर जितने भी वेजिटेबल्स हैं एंड सॉल्ट, जितने भी मसाले मैंने डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालूंगी। पोहे में चीनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत हल्की सी चीनी डालनी होती है एंड पोहे का टेस्ट बदल जाता है, तो थोड़ी सी मैंने यहाँ चीनी डाली है।
अब मेरा पोहा हो गया है रेडी एंड ये खाने के लिए बिल्कुल यमी एंड टेस्टी गर्मा गर्म खाइए और अपने बच्चे को खिलाइए। इट्स डिलीशियस। तो ये तो थी डिलीशियस रेसिपी कैसे मैं बनाती हूँ पोहा फॉर शिवाय। मैंने यहाँ पर यूज किया है ऑलिव ऑयल। तो अभी रिसेंटली हमने शिवाय के लिए कुछ चीजें ऑलिव ऑयल में बनानी स्टार्ट की हैं। तो ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई ऑयल देख रहे हैं तो आप ऑलिव ऑयल देख सकते हैं। रिफाइंड तो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए बच्चे के लिए। मैंने शिवाय के लिए अभी ऑलिव ऑयल यूज करना शुरू किया है एंड टेस्ट भी अच्छा आता है, प्लस बहुत लाइट है तो बच्चे को इजीली वो खा लेता है। मैंने ऐसा कोई शिवाय की तरफ से नहीं देखा कि उसको पसंद नहीं आया ऑलिव ऑयल का टेस्ट या कुछ भी। तो आप भी ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। प्लस मैंने यहाँ पे पोहा जो था वो थोड़ी ज्यादा देर सोक करा ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम दही के साथ खा लेते हैं, केचप के साथ खा लिया, बट अभी केचप हमने शिवाय को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। प्लस अभी सीजन विंटर का है तो मैं शिवाय को विंटर के सीजन में दही नहीं देती हूँ। तो इस केस में मैंने थोड़ा सोक करके बनाया ताकि वो ऑलरेडी सॉफ्ट बने एंड शिवाय को उसके साथ किसी और चीज की रिक्वायरमेंट ना हो, वो इजीली खा ले। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.